हेलो नमस्कार गाइस, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्स टैबलेट खाते हैं, उनके लिए मैं आज हमारे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप सेक्स टैबलेट के बिना भी आप अपना सेक्स पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छे से आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स आपको फॉलो करना है, कुछ जो चीज़ हम बताने वाला है इस हिसाब से आप चलोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी टैबलेट, कोई भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले आप हमारे चैनल में अगर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें जो पास में बेल बटन दिया हुआ है उसे भी ऑन कीजिएगा, जिसमें हमारे हॉल वीडियो आपको पहले मिल जाएगा। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं बहुत लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, जैसे उनको लिंग में तनाव बिल्कुल नहीं आता है और बहुत लोगों को प्री एजुकेशन का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। मतलब जैसे सेक्स पार्टनर के पास जाते हैं, मिलन करते ही करते उनको डिस्चार्ज हो जाता है। तो उन्होंने क्या करता है गाइस, कोई फार्मासिस्ट के पास गए, कोई मेडिकल स्टोर में गए तो टैबलेट मांग लिए, तो मेडिकल फार्मासिस्ट वाले जो विगोरा जैसे टैबलेट उनको दे दिया। तो गाइस, क्या होता है, बहुत से ऐसे पेशेंट हमें मिला है जो जिनको कहना है पहले बहुत बढ़िया काम करता था टैबलेट, लेकिन अभी नहीं करता है। तो गाइस, क्या होता है, हमारे शरीर में दवाई रजिस्टर्ड हो जाती है, मतलब धीरे धीरे वो दवाई काम करना हमारे शरीर में काम कर देता है। तो गाइस, आप टैबलेट को बंद करिए और अपना मनोबल को बढ़ाइए। वैसे 75% केस में देखा जाता है उनको मेंटली प्रॉब्लम हो, मतलब मनोरथ प्रॉब्लम हो। तो गाइस, ऐसे अगर प्रॉब्लम हो आपको तो पहले आपको सेट करने के पहले कुछ बात जान लेना जरूरी है। तो गाइस, पहली बात तो है, आप जब अपने पार्टनर से मिले तो उस टाइम एकदम वातावरण, भय का वातावरण आपको दिमाग से बिल्कुल निकाल लेना चाहिए। तो उस टाइम क्या होना चाहिए, आपको जहाँ पे रहते हो वहाँ पे एकदम साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए और एकदम रोमांटिक सा माहौल होना चाहिए। और अपने पार्टनर से आप अच्छे से घुल मिलिए, अच्छे से बातें करिए, उसके बाद आप अपने पार्टनर से मिलिए। तो गाइस, आप जब भी सेक्स अटेम्प्ट करो तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी खाली पेट में होना चाहिए। इस टाइम आप बिल्कुल भी भरा हुआ पेट में नहीं रहना चाहिए। और गाइस, अगर आप खाना खा भी लेते हो तो खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद आपको संगम करना चाहिए, मिलना चाहिए पार्टनर से, तो ये आप बेटर सेक्स आप कर सकते हैं। तो गाइस, क्या होता है, आपको जो संभव करते हैं पार्टनर से जब मिलते हैं उसके पहले आपको फोरप्ले करना बहुत ही जरूरी होता है। तो गाइस, फोरप्ले क्या होता है, तो फोरप्ले के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं, आपको पता नहीं होगा फ्रेंड्स, जो लेडीज होती है उनको हमारे से भी 8 गुना तक उनको सेक्स पावर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो सोचो आप उनको इतना पावर होने के बाद आपको उसको सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फेक्शन देना है, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल एकदम खुशनुमा माहौल चाहिए और आपका कपड़ा वपड़ा एकदम पूरा हल्का होना चाहिए, एकदम पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। और जब आप फोरप्ले करो तो पहले तो आप शुरू मत हो जाइए, क्योंकि पहले अगर आप शुरू हो जाओगे तो आप जल्दी शक्लन हो जाओगे। तो पहले आपको फोरप्ले करना जरूरी है। तो गाइस, औरतों को कुछ अंग ऐसे होता है जो बहुत संवेदनशील होती है, वहाँ पर अगर आप टास्क करो तो उनको बहुत ज़्यादा हीट करने में हेल्प करती है। तो गाइस, ऐसी जगह कौन सी आपको बताते हैं, पहले तो आप पहले जब आप अपने पार्टनर से मिलते हो तो पार्टनर से आप मिलो तो आप उनका पहले स्तन ब्रेस्ट को दोनों हाथ से अच्छे से प्रेस करिए, अच्छे से धीरे सॉफ्ट हाथों से प्रेस करिए। उसके बाद आप मुंह से थोड़ा सा उनका जो निपल है, जो कुंची है, उसको थोड़ा सा काटिए, हल्का हल्का धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाइए। उसके बाद थोड़ा गर्दन के पास जाइए, उसके बाद उनके कान में थोड़ा सा दांतों से काटिए हल्का हल्का। उसके बाद आप होठों के ऊपर जाइए, एकदम होठों के ऊपर मत जाइएगा, पहले आप स्तन से लेके शुरू करके थोड़ा गला से ऊपर से आप जाइए होठों के ऊपर। होठों को अच्छे से स्मूथ कीजिए, काफ़ी देर तक स्मूथ कीजिए और अपना हाथ को उस टाइम ब्रेस्ट के ऊपर रखिए, ब्रेस्ट के ऊपर रख के अच्छे से उनको प्रेस करिए। और उसमें क्या होगा, आपको पत्नी जो आपके पार्टनर हो वो आपको मतलब पिटोने में बहुत हेल्प करेगी और उनको भी चाहिदा चरम पर होगी। तो गाइस, ऐसे करते आपको फोटो का स्मूथ करते आपको नीचे की तरफ आना है। उसके बाद कुछ ऐसे अंग है जैसे नाभि, तो बहुत संवेदनशील होती है नाभि महिला को लिए, तो उनको आप मुंह से स्मूथ कीजिए। ध्यान रखिए गाइस, नेवल पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, तो वहाँ पे साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप नाभि के ऊपर जाइए, नाभि को अच्छे से स्मूथ करिए। थोड़ी देर करने के बाद आप धीरे धीरे नीचे की तरफ जाइए। नीचे क्या होता है, योनि की तरफ जाइए। योनि के ऊपर के भाग में वो लेडीज़ को होता है थोड़ा अविकसित, आप देखना थोड़ा सा उबार जैसे लगता है, किसी को थोड़ा सा बड़ा दिखता है, वो क्या होता है अविकसित लिंग होती है। वहाँ पे जाके आपको हाथों से रगड़ना है, करीबन आपको 5 से 7 मिनट तक उसमें रगड़ना है, आपको अंगुली से आप धीरे धीरे रगड़ना है। इसके बाद आपको जोड़ी को चाटना है गाइस, क्योंकि जोड़ी को चाटने से लेडीज को भी बहुत अच्छा लगता है, वैसे आपको भी बहुत बढ़िया लगेगा, बशर्ते उनकी जोड़ी में कोई इन्फेक्शन ना हो। तो गाइस बहुत मज़ा आता है। इसको ऐसे करिए आप 10 से 15, कम से कम 5 से 10 मिनट का। इसमें क्या होता है, बहुत ऐसे हो जिस टाइम बहुत ही उत्तेजना में आ जाता है। तो गाइस आपको जब लगे बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आ गए तो ऐसे करते करते फोर प्ले में आपको करीबन 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद अपना लिंग को अगर आप पार्टनर अगर कुछ करना चाहे तो करवा सकते हो, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं, खाली 2 से 3 मिनट के लिए आप करवा सकते हो, नहीं तो आपको डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, अब आपको करना है लिंग को योनि के अंदर प्रवेश कराना है। तो गाइस पहले तो धीरे 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 शॉट मारना है आपको, धीरे धीरे शॉट मारना है आपको। मारने के बाद जैसे आपको धीरे 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 शॉट मारोगे उसके बाद धीरे धीरे प्रेस करोगे। आपको पार्टनर जब लगे आपको पार्टनर एकदम चरम छुप पर आ रहा है और आपको लगे जब आपको डिस्चार्ज हो रही है तो उस टाइम डिस्चार्ज होने वाला है तो उस टाइम आप रुक जाइए और अपने लिंग को बाहर निकाल दीजिए। और निकाल के आप फिर से अपने उनकी जोड़नी को फिर से आप जीभ से शुरू करिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपकी पत्नी फिर से पार्टनर आपको ठंडा हो जाएंगे और आपको हाथ समान आकार से आपको ब्रेस्ट को चलना चाहिए। तो गाइस जैसे करते करते आपको जैसे लगे नहीं आप फिर से रेडी हो गए तो फिर धीरे धीरे आपको शॉर्ट कराइए। और आपको जैसे लगे जब आपकी पत्नी चरम सीमा पर है और उनके मुंह से आवाज़ निकाल रहा है तो उस टाइम आप बड़े शॉट लगाइए। बड़े शॉट लगाते लगाते आपको और जोड़ने के अंदर आपको डिस्चार्ज होना है तो उस टाइम क्या होता है अपना पत्नी जो है वो भी डिस्चार्ज हो जाती है। तो गाइस अगर आपकी पत्नी फिर भी डिस्चार्ज नहीं होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं वो चरम सीमा पर है तो आपको गिरने के बाद भी शॉट लगाना चालू रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है आपको पत्नी भी डिस्चार्ज हो जाती है। तो गाइस ऐसे तरीक़ों से आप मिलोगे संभव करोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस ऐसे आप करते रहिए और अपने पत्नी को आप सेटिस्फाई करते ही आपके पार्टनर को सेटिस्फाई करते रहिए। तो गाइस बहुत लोग सेक्स करने के बाद बहुत सी गलती कर देना है। तो गाइस आपको जैसे ही गिर जाए डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद आप बिल्कुल भी मत उठिए, आपकी पार्टनर के ऊपर करीबन कम से कम 5 से 10 मिनट रहिए, पकड़ के रखिए, थोड़ा सा स्मूथ कीजिए, किस करिए, आप बालों पे चलाइए, थोड़ा सा प्यार कीजिए, उसके बाद आप उठने के बाद बिल्कुल भी एक गलती हर कोई करता है, बहुत लोग करता है, वैसे मिलन के बाद हर लड़का अपने लिंग को धो लेता है, बिल्कुल भी पानी से नहीं धोना चाहिए इस टाइम। इसमें क्या होता है अपना नस कमज़ोर होने लगता है गाइस और बहुत लोग सेक्स करने के बाद पानी पीने लगता है तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, इस टाइम दूध पीना चाहिए और कुछ फल वाल और जैसे केला वेला अवेलेबल खाना चाहिए, इसमें हमारे सेक्सुअल लाइफ आगे बढ़ता है। और गाइस बार बार आप टैबलेट खाते हो उसमें क्या होता है शरीर में एक टाइम रेजिस्टेंट हो जाती है दवाई, कोई दवाई काम करती नहीं। तो गाइस अगर हमारे जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे अच्छा वीडियो में हम सब आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए बाय।